सोते वक्त आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप ऐसे एंडलेस यूनिवर्स में गिर रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन आपको झटके आ गए। इसको हिप्निक जर्क बोला जाता है। ये हिचकी जैसे इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स होते हैं। ये आपका ब्रेन है और इसमें ये रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम यानी RAS है जो आपको अलर्ट रखता है। वहीं ये वेंट्रोलेटरल प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है यानी VLPO है जो आपको सोता हुआ रखता है। RAS के सही से डीएक्टिवेट ना होने से पहले VLPO का एक्टिवेट होना ब्रेन को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजता है, जिस कंफ्यूजन की वजह से ब्रेन के न्यूरॉन्स मिसफायर करके मसल्स ट्विच करते हैं। इसके अलावा सोने के बाद हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स स्लीप पैरालिसिस करवाते हैं, जिससे हम स्लीप वॉक नहीं करते कभी ब्रेन में हुए कंफ्यूजन की वजह से। तब सपने देखते वक्त भी हमें ये महसूस हो सकते हैं। पहले इंसान जंगलों में रहते थे, पेड़ की टहनियों पर सोते थे। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि ये पेड़ से गिरने से बचने के लिए डेवलप हुआ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। रिसर्चर्स के मुताबिक इरेगुलर स्लीप साइकिल्स, ज्यादा कैफीन लेना, सोने से पहले विग्रस एक्सरसाइज, अल्कोहल व ड्रग्स लेना और स्ट्रेस इन जर्क्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।